नमस्कार दोस्तों, आज हम ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो यह मुंह से जुड़ा एक विकार है, विकार तो नहीं कहेंगे, यानी यह समस्या यानी ऑटोमेटिक तो कम ही होती है, पर गुटखा पान मसाला या फिर स्वप्रतिरक्षित रोग या फिर भोजन में आयरन और विटामिन की कमी के कारण ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस की समस्या हो सकती है, जिसमें मुंह में जलन का होना, स्वाद पहचानने में परेशानी महसूस होना या फिर पता न चलना, मुंह के अंदर के जो टिश्यू हैं यानी ऊतक हैं वो सफेद पड़ जाना और म्यूकस में अकड़न हो जाना, यानी मुंह सही तरीके से न खुलना। तो इस तरीके के लोग जो गुटखा पान मसाला अधिक खाते हैं और उनका मुंह धीरे धीरे बंद हो रहा है, यानी खुलता नहीं है, यानी जैसे ऐसे करके आप देखेंगे तो जो जिनका सम म्यूकस यानी सॉरी म्यूकस में जो अकड़न आ जाती है तो उनकी दो उंगली भी बड़ी मुश्किल से आती है, तो ये परेशानी हो सकती है। तो इसके यानी जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, तो ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस की समस्या में जीभ पर जो जो स्किन का कलर है, जीभ की स्किन का, वो यानी चेंज हो सकता है या फिर ज्यादा लाल या फिर यानी जैसे फंगल होता है उस तरीके का निशान बन सकता है, और जो टिश्यू है वो सफेद हो सकते हैं, बिल्कुल कैंसर से मिलते जुलते वो लक्षण होते हैं। और यानी यह गाल के पास यानी अंदर गाल में जीभ पर, होंठ पर और तलवे के ऊपर हो सकता है। इस तरीके के लोग जिनको जिनके मुंह में छाले ज्यादा होते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं, तो वो एक बार माउथ यानी मुख नाक गला जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको दिखाएं। तो ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस में हमारे पास किस तरीके की दवा हमारे पास हो सकती है, वैसे मैंने यानी माउथ कैंसर के ऊपर वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो हमारे पास डोलो जेल, सिटी जेल होना चाहिए। अगर आपकी जीभ पर, होंठ पर या फिर मसूड़ों पर अगर ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस की समस्या है, तो डोलो जेल, सिटी जेल, एजिथ्रोमाइसिन और टेरामाइसिन कैप्सूल, ऑफ्लोक्सासिन एंड ऑर्निडाजोल, बीकासूल, नोमैक्स 500 या फिर नोमैक्स सीबी 625 टेबलेट वो होनी चाहिए, या फिर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो वायल आती है, या फिर जो क्या कहते हैं लिक्विड बेस में जो कुल्ला करने के लिए यानी जो मैंने वीडियो बनाए हैं इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अभी मेरे को उसके नाम याद नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें हमारे पास होनी यानी होनी चाहिए, तो आप देखेंगे कि ओरल सम्यूकस की समस्या आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी। कई बार पेट से जुड़ी समस्या के कारण भी मुंह में जलन यानी छाले का बनना और यानी मिर्ची अधिक लगना, इस तरह की समस्याएं यानी पेट की खराबी के कारण भी हो सकती हैं। तो विटामिन और मिनरल्स की आप जो विटामिन और आयरन की कमी को पूरा करें, और अगर किसी भी तरीके का स्वप्रतिरक्षित रोग है तो उसको ठीक करें, या फिर जो आप बेंजोपायरिन और निकोटिन का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप कम करें। और दवा इस तरीके से है जो मैंने बताई है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, इस तरीके की दवा हमारे पास होनी चाहिए, उससे आपको 90% रिलीफ मिल जाएगा। या फिर गंभीर स्थिति होने पर या फिर कैंसर की स्थिति बनने पर ऐसी अगर आपको महसूस हो रहा है कि उसमें यानी दर्द या फिर छूने पर किसी भी तरीके का एहसास नहीं हो रहा है और जो जो ऊतक है वो सफेद, जिसका एरिया है ऊतक का वाइट जो हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है और दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है, तो तुरंत माउथ नाक गला और स्पेशलिस्ट को दिखाएं। तो बस आज के लिए नहीं, धन्यवाद।